दोस्तों कमर्शियल व्हीकल को प्राइवेट व्हीकल में कैसे कन्वर्ट करना है इसके रिलेटेड मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें पूरा प्रोसेस मैंने अच्छे से समझा दिया है कि कौन से फॉर्म लगेंगे और कैसे ये प्रोसेस होता है। अगर आप भी पूरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिस पर आप क्लिक करके आसानी से पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। तो उस वीडियो में काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किया हुआ था कि जो मेरा व्हीकल है जो मेरी गाड़ी है वो फाइनेंस पे है तो इसको मैं जो कमर्शियल टू प्राइवेट परमिट में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में इस रिलेटेड ही बात करेंगे कि अगर आपका व्हीकल फाइनेंस पे है तो उसको हम कैसे जो प्रोसेस करना है ये कमर्शियल टू प्राइवेट परमिट लेने का। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों अगर आपका व्हीकल फाइनेंस पे है या लीज पर है तो सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है, बट डिफरेंस बस इतना है उसके साथ ये फॉर्म नंबर 35 हमें अटैच करना होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपना व्हाट्सअप नंबर है जो कमेंट में लिख दो, मैं ये फॉर्म डाउनलोड करके आपको आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दूंगा और आप आसानी से इसका प्रिंट निकलवा के यूज़ कर सकते हो। और फॉर्म को फिल करने की बात करें दोस्तों ये एप्लीकेशन के टाइम में हमें फिल करना पड़ता है। सबसे पहले हमें RTO का एड्रेस लिखना पड़ेगा और इसके बाद जो व्हीकल नंबर यहाँ पे हमें पूरा अपना व्हीकल नंबर लिखना पड़ेगा और जो ओनर है उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। हमने जहाँ से भी फाइनेंस लिया है जो भी बैंक है या और कोई कंपनी के थ्रू हमने फाइनेंस पर जो गाड़ी ली हुई है उसके सिग्नेचर उसकी सील होगी जो और विद एड्रेस के साथ उस डेट को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ओके दोस्तों नॉर्मल सी डिटेल हमें इसमें फिल करनी है। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है इस फॉर्म को फिल करने में तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपके कमर्शियल परमिट बने को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद ही आप जो कैंसिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर सकते हो और फिर अपना जो परमिट को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो। 3 साल से पहले आप कमर्शियल परमिट को प्राइवेट परमिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके दोस्तों और जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर ले, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।